नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। इस शो में हम बात करते हैं आपसे जुड़े मुद्दों की। तो आज का पहला मुद्दा है महाराष्ट्र में मौत का हॉटस्पॉट। और जब मैं हॉटस्पॉट कह रही हूं तो यहां पर कोविड की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहां पर बात हो रही है सड़कों पर मौजूद गड्ढों की, जिनकी वजह से आए दिन लोगों की जान जाने की घटना सामने आती है। तो लोकतंत्र में आज यही होगा सवाल कि आखिर इन मौत का जिम्मेदार कौन है। प्रोग्राम में आगे इसकी जिम्मेदारी हम तय करेंगे, जिम्मेदार लोगों से सवाल भी पूछेंगे। और दूसरा मुद्दा आज का होगा देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली में एम्स का। और सवाल ये है कि अगर आप आज नंबर लगाएंगे तो क्या चार साल लंबा इंतजार करने के बाद इलाज का आपका नंबर आएगा? और ऐसे हालात आखिर देश के सबसे बड़े अस्पताल में क्यों है? स्वास्थ्य मंत्री क्यों इस पर नाराज है? तो इस पर पूरी डिटेल बुलेटिन में आगे होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। तो लोकतंत्र में सबसे पहले बात उस तकलीफ की जो आतंकवाद से भी बड़ी है। ये दिखता हम सबको है, लेकिन हम इसे नजरअंदाज क्यों करके आगे बढ़ जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। देखती सरकारें भी हैं, लेकिन ना जाने क्यों फिर भी सरकारें भी इसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाती हैं, जैसे इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन इसी लापरवाही ने थाने के 23 साल के एक नौजवान की जिंदगी ले ली। सड़क पर उस शख्स की लाश पड़ी है, पास में टूटी हुई बाइक खड़ी है। थाने के रहने वाले मोहम्मद बड़वाले की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो सड़क पर निकल गया, लेकिन इस सड़क पर एक बड़ा गड्ढा मौजूद था। उसने बाइक रोकने की कोशिश की, लेकिन घसीटता हुआ वो दूसरे गड्ढे में जा गिरा। सिर पर चोट लगी और इस शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मुंब्रा के रहने वाले मोहम्मद बड़वाले के सिर पर गंभीर चोट आई। नजदीकी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। तो ऐसे भी सवाल ये उठता है कि मोहम्मद बड़वाले की मौत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? परिवार को क्या बताया जाए कि किसकी वजह से ये मौत हुई है? क्योंकि परिवार सड़क के गड्ढे से तो सवाल नहीं पूछेंगे, गड्ढे को कोसकर उनके कलेजे को ठंडक तो नहीं मिलेगी। तो अब समझिए थाने के एक नौजवान की मौत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। जिस सड़क पर दरअसल यह हादसा हुआ, यह सड़क थाने घुड़बंदर प्रोजेक्ट के तहत बनी रोड है। साल 2005 में महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और थाने घोड़बंदर टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड ने IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड को इसका ठेका दिया था। 20 साल में इस प्रोजेक्ट को खत्म करना था। सड़क तो बन गई, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होने के एक साल बाद ही क्या हुआ वो आप देख रहे हैं। ऐसे में 23 साल के मोहम्मद बड़वाले की मौत का जिम्मेदार इन्हें ना माना जाए तो आखिर किसे माना जाए? साथ ही म्यूनिसिपल कमिश्नर की जिम्मेदारी क्यों ना तय की जाए, क्योंकि उन्हें यही देखने के लिए तो रखा गया है कि निगम के तहत जो काम हो रहा है वो ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं, और अगर नहीं हो रहा तो फिर उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। सवाल क्यों ना इस पर उठे, क्योंकि जनता अपनी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के तौर पर भरती है, सरकारें उसे नगर निगम को देती हैं, लेकिन उसके बदले में जनता को क्या मिलता है ये बड़ा सवाल है। BMC की अगर बात करें तो देखिए बजट इतना है जो दुनिया के कई देशों से ज्यादा है। 2020-21 के लिए भी BMC ने 39,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। इसमें से 1600 करोड़ रुपए सड़क निर्माण और मेंटेनेंस के लिए रिजर्व रखा गया। तो वहीं थाने नगर निगम की बात करें जहां यह एक्सीडेंट हुआ है, तो वहां का बजट 2,750 करोड़ रुपए है। इसमें से 250 करोड़ रुपए सड़कों को बनाने और उसकी मरम्मत करने के लिए रखा गया है। लेकिन सवाल यह है कि यह पैसा कहां जा रहा है, क्योंकि सड़कों पर तो सिर्फ और सिर्फ गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जो आपने देखा जिसमें एक नौजवान ने अपनी जान गंवा दी। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं, क्योंकि उनसे ही हम सवाल पूछेंगे। हमारे साथ इस वक्त BJP से श्वेता शालिनी मौजूद हैं और शिवसेना से किशोर तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं। किशोर तिवारी जी, थाने में जो ये एक्सीडेंट हुआ है, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्योंकि थाने में आप बता दें कि शिवसेना ही इस वक्त निगम में काबिज है, किसकी जिम्मेदारी है? कौन ये तय करेगा कि इस तरह के हादसे रुके हैं, उस पर जिम्मेदारी तय हो, कम से कम मिसाल कायम की जाए? हाँ देखो, सारे राष्ट्रीय महामार्ग पे गड्ढे हैं। कल ही मैंने एक आंदोलन किया जहां मैंने खुद ने गड्ढे बंद किए। मैं आपकी आपने जितना बोला उससे सबसे सहमत हूं। IRB को अकाउंटेबल किया जाए, BMC कमिश्नर पे गुनाह दाखिल किया जाए और मोहम्मद जी के जो मर गए उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाए। देखिए ये कंट्रैक्टदारों का
जो चुनके आते सर, हैं कंपनसेशन देने से तो वो शख्स वापस नहीं आएगा जो इस दुनिया से चला गया है। पूरी बात कर ले रहा हूँ। जिस परिवार ने अपने बेटे को खो दिया है उस माँ का बेटा तो लौट कर नहीं आएगा। बात कर लूँ तो फिर नहीं नहीं सर, मुझे इस बात पर हैरानी है कि आप नेशनल हाईवे और रोड पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल तो बहुत छोटा सा था। थाने में जो ये एक्सीडेंट हुआ, इस एक्सीडेंट में और जिस व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई है उसके लिए अभी तक क्या एक्शन हुआ है, कौन जिम्मेदार है? नहीं नहीं, बीएमसी कमिश्नर तो नहीं है, थाना कमिश्नर पे होना चाहिए, एमएसआरटीसी के ऑफिसर पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और आईआरबी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। इंफीरियर क्वालिटी के रास्ते बनाने के वजह से सारे देश में गड्ढों से दर रोज लोग मर रहे हैं। नितिन गडकरी लाखों की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर पर बड़ी कार्रवाई कब होगी? करप्शन हुआ है। अगर बनने के एक साल के बाद ही ये हाल है सड़क का, तो कॉन्ट्रैक्टर पर बड़ी कार्रवाई कब होगी? भगवान बताएंगे बेटा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर तो सरकार भगवान क्यों बताएंगे? चुनकर तो शिवसेना को भेजा है ना? सरकार चलाते। अरे सर, निगम में चुनकर, निगम में कौन है सर काबिज? ये देश का राज। निगम पर, निगम में ठाणे नगर निगम में कौन काबिज है सर, बताइए? ठाणे नगर निगम, ठाणे नगर निगम पर कौन काबिज है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? किसकी भी रहे, मैं यहाँ पर शिवसेना के तरफ से बात रख रहा हूँ। जो लोग जवाबदार है उन पर एक सेकेंड सर, आपको गुना दाखिल करना चाहिए। ठीक है किशोर तिवारी जी, आपको ये पता है, दाखिल करना आपको चाहिए, ये पता है कि ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कौन है, कौन है वहां पर, आपको पता है? अरे शिवसेना है करके हाँ, क्या निर्दोष शिवसेना है? बिल्कुल मारने का लाइसेंस तो फिर आप तो ठीक है, तो फिर आप उस हादसे की जिम्मेदारी भगवान के ऊपर सौंप रहे हैं, तो आप भगवान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं? जिम्मेदारी के साथ बात करिए। आप एक राष्ट्रीय चैनल के पैनल पर बैठे हैं, जिम्मेदारी के साथ बात करिए। एक इंसान की जान गई है, जिम्मेदारी के साथ एक इंसान की जान गई है यहाँ पर, महामार्ग पे एक इंसान की जान गई है यहाँ पर। इंसान की जान की एक कीमत होती है, अरे उस कीमत पर बात करिए, सुनो रिस्पॉन्सिबल होकर बात करिए। क्या बात कर रहा हूँ ये तो सुनो। श्वेता शालिनी जी, अगर चर्चा में आपको लाना चाहती हूँ मैं यहाँ पर, एक हादसे पर भगवान को जिम्मेदार खड़ा कर रहे हैं, लेकिन देखिए जिम्मेदारी तो यहाँ पर सबकी बनती है और बड़ी जिम्मेदारी की बात होनी चाहिए। कब तक लोग यूं ही गड्ढों में जान गंवाते रहेंगे, मरते रहेंगे? आप किशोर तिवारी जी से जिम्मेदारी की अपेक्षा करते हैं, ये बहुत हास्यास्पद है। सबसे पहली चीज, दूसरी चीज, आपने देखा उन्होंने क्या कहा, पूरी महाराष्ट्र सरकार एक ही मॉडल पे चल रही है किशोर जी, इसे मैं संजय राउत मॉडल कहती हूँ। मैं बोल रही थी कि आप क्यों चीख रहे हैं, जरा बोलिए आप, या तो मैडम इनको चीखना बंद कीजिए या फिर मैं बोलना बंद कर देती हूँ। जब वो बोल रहे थे तो मैं बोल रही थी कि जब एक मॉडल से जुड़ी हुई कंपनी है, मॉडल कुछ नितिन गडकरी से जुड़ी हुई कंपनी, सेंटर की तरफ उंगली कीजिए। आप कुछ पूछ, आपने पूछा पोर्टल्स के बारे में, ये बोल रहे हैं नितिन गडकरी जी और नेशनल हाईवे, ये आप पूछ रही हैं थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पॉटहोल्स कितने हैं? किशोर तिवारी जी डेटा जाके देखिए, आपके बीएमसी का जो डेटा है ना 150% बढ़ चुका है, 150% 2009 से 2014 तक जितने पॉटहोल्स रजिस्टर थे आपके आपके उसमें कितने थे, 8000 और 2014 से 2021 में 150% ज्यादा है। अरे आप नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस का माला जपना बंद करेंगे और ये सागर के प्रेम से हटेंगे? जब से देवेंद्र फडणवीस जी सागर में रहने लग गए हैं, आपने पूरी मुंबई महानगरी को सागर बना दिया है, आप समझ रहे हैं इस बात को? और आज तो श्वेता शालिनी जी, श्वेता शालिनी जी, मैं ये पूछ रही हूँ, एक सेकंड किशोर तिवारी जी प्लीज, एक सेकंड, यहाँ पर किसी व्यक्ति की मौत हुई है उस पर बात हो रही है, हम कम से कम थोड़ी मर्यादा यहाँ पर बरतें, कम से कम थोड़ी सी गंभीरता के साथ बात करें, एक सेकंड। श्वेता शालिनी जी, मैं बड़ी तस्वीर की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि यह हादसे सिर्फ महाराष्ट्र में हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक सरकार के राज में हो रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या हम ऐसे हादसों को लेकर, इस परिस्थिति को लेकर संवेदनशील हैं? क्या इसे हम एक समस्या मानने के लिए तैयार हैं? कम से कम साल 2021 में गड्ढों की वजह से तो लोगों की जान ना जाए। मैडम जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये गड्ढों की वजह से दूसरी मौत है। ये आपने मुझसे पूछा है कि किशोर तिवारी जी से बोला है,
किशोर तिवारी जी एक सेकंड, श्वेता जी सवाल पूछा है, मेरे को उनसे जवाब लेने दीजिए प्लीज, ठीक है? अगर आप वो बोलते रहेंगे तो मैं जवाब, किशोर तिवारी जी मैंने आपसे सवाल पूछा कि थाने में कौन है जिम्मेदार, तो उसको लेकर आप जवाब तो दे नहीं पाए, भगवान के भरोसे आप छोड़ रहे हैं उस चीज को, तो आप दूसरे जिस इंसान से सवाल पूछा है उसको जवाब देने दीजिए, ठीक है? बोलिए श्वेता जी, उनको ना सवाल सुनना है ना उत्तर देना है, उनको बस कुछ भी जो किशोर जी प्लीज रुकिए एक सेकंड, ठीक है? बोलिए श्वेता, आपने क्या प्रश्न पूछा आप बताइए, ये जो व्यक्ति थे जो मोहम्मद साहब गए, ये किसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे? जितेंद्र अवार्ड जी ने एक शब्द बोला है क्या इनके बारे में? और ये पहली मौत नहीं है, ये दूसरी मौत है उसी रोड के ऊपर, अभी 16 सितंबर को भी एक मौत हुई थी, उसको भी शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए हमारे कार्यकर्ता राम ठाकुर जी लेके गए थे। आप ये बताइए, जब आपने किशोर तिवारी जी से पूछा तो उन्होंने कहा क्या कि हम जिम्मेदार हैं, शिवसेना की सरकार बीएमसी में है, टीएमसी में है, उनको घोर बंदर में ये हादसा हुआ है, आपके एमएलए कहाँ पे हैं? नदारद है, उनके ऊपर ईडी के चार्जेस है, वो ढूंढ रहे हैं, तो वो तो अब्सकॉन्डिंग है पूरे, तो इसका मतलब या तो ये वसूली करते हैं या फिर भागे रहते। अरे भाई, मेरी आप दोनों से मेरी यही गुजारिश है, क्योंकि यहाँ पर गड्ढों की वजह से जो घटनाएं हो रही हैं वो कोई एक या दो मामले नहीं है, और यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप से बड़ी तस्वीर कम से कम इस पर संवेदनशील होने की है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी तस्वीर जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ये आप ध्यान से सुनिए कि देश में 2013 से 2017 के दौरान गड्ढों की वजह से हुई सड़क दुर्घटनाओं में 14,926 लोगों की मौत हुई है, 14,926। पीठ ने कहा कि 5 साल में लगभग 15,000 लोग मारे गए, सीमा पर या आतंकवादियों द्वारा मारे गए लोगों से ज्यादा यह नंबर है। राज्यसभा में सड़क और परिवहन मंत्रालय ने सवालों का जवाब देते हुए अलग अलग वजह और हादसों से जुड़े आंकड़े दिए। साल 2017 में गड्ढों की वजह से 9,423 हादसे हुए, 3,579 लोगों की इन हादसों में मौत हुई, वहीं 25,000 लोग घायल हुए। साल 2018 में 4,869 हादसे सड़क के गड्ढों की वजह से हुए, इन हादसों में 2,000 लोगों की मौत हो गई, 4,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। साल 2019 में 4,775 हादसे हुए, 2,140 लोग इन हादसों में मारे गए, वहीं 4,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। राज्यों के आंकड़ों पर भी नजर डालिए कि किस जगह पर, किस राज्य में गड्ढों की वजह से सबसे ज्यादा मौत हुई। उत्तर प्रदेश 987, महाराष्ट्र 726, हरियाणा 522, गुजरात 228, पंजाब 162। तो यह किसी राज्य विशेष तक समस्या सीमित नहीं है, लेकिन देश के जहां जहां जिन जिन राज्यों में जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट तक ने उस पर चिंता जाहिर की है और यह कहा है कि सीमा पार पर जो घटनाएं होती हैं, आतंकवादी घटनाओं से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं गड्ढों की वजह से होने वाले हादसों से, और इसीलिए इस पर बेहद गंभीरता से और संवेदनशील होकर एक पॉलिसी बनाकर उस पर आगे बढ़ने की जरूरत है, बजाय कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के। बढ़ेंगे आगे और लोकतंत्र में अब बात उस मुद्दे की जो सीधे तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी हुई है, बात एम्स की, जहां पर वेटिंग के कारण मरीजों को हर दिन जूझना पड़ता है। गंभीर बीमारियों की बात तो छोड़ दीजिए, अगर मामूली इलाज भी कराना है तो मरीजों को महीनों महीनों लंबा इंतजार करना पड़ता है। खबर है कि एम्स की कई व्यवस्थाओं को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुश नहीं है। उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स की कमेटी बनाई और 10 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा। कमेटी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को रिपोर्ट भी दे दी है। इस रिपोर्ट में क्या है, किन खामियों को ठीक करने की बात की गई है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि एम्स में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समस्या ये आ रहा कि ये बोला कि अभी तो इसका कोई जांच नहीं हो पाएगा, ये 3-4 जांच लिखा बोला कि बाहर से आपको कराना पड़ेगा, ये एम्स में नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा ये पता नहीं। आंखों में आंसू, बेहिसाब दर्द, जांच के लिए दर दर भटकते लोग, डॉक्टर से सही सलाह के लिए लंबा इंतजार, यही सच है दिल्ली एम्स का। कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से,
कोई मध्य प्रदेश से, किसी ने सही इलाज के लिए राजस्थान से दिल्ली तक का सफर तय किया, लेकिन एम्स की चौखट पर पहुंचकर निराशा हाथ लगती है। टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे पर बिहार से आए कैलाश ने अपनी पूरी कहानी बताई। बच्चे के इलाज की बातें बताते बताते भावुक हो गए। हम लोग परसों किसी के पास पूछते हैं, बोलते वो वहाँ है, ये है। तो क्या डॉक्टरों का व्यवहार अच्छा नहीं है या फिर कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे, कहाँ दिखाना है, कैसे? अभी हम यहाँ आए इनके पास, बोला कौन डॉक्टर लिख गए, कहाँ कैसे आप आ गए, रूम नंबर पर कैसे आ गए, आप ओपोजिट पास जाइए, वहाँ से डॉक्टर लिखेंगे करेंगे। दर्द की कहानी इतनी भर नहीं है। एम्स के बड़े से परिसर में कहीं अम्मा इलाज के लिए भटक रही हैं, कहीं कोई बुजुर्ग को समय से इलाज नहीं मिल रहा है, कोई अपने बच्चे को लेकर आया है, किसी की पत्नी बीमार है, हर किसी की परेशानी लगभग एक समान है। इलाज के लिए इंतजार, सिर्फ इंतजार, लंबा इंतजार। एम्स में दिखा रहे मतलब 2 साल से। अच्छा, हमेशा ओपीडी की बाकी तस्वीर ऐसी ही होती है, लंबी लंबी लाइनें, दवाई मिलने की समस्या, दवाई भी एक मिलती है, वैद्य भी तो नहीं देते हैं, और प्लस में वो होता है एक ही दवाई देगा और चला जाता है, नहीं देते हैं। अच्छा, ये एम्स का सिस्टम आप लोग को आम जनता है, ये एम्स का ही सिस्टम आप लोग क्या लगता है कि इसको और बेहतर होना चाहिए, मरीजों को कितनी दिक्कत होती है? बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि दवाई। अब समझिए, एम्स महज एक अस्पताल नहीं है, आस है, भरोसा है, और कहें तो इलाज के बुनियादी अधिकारों का इंसाफ मांगने वालों के लिए उनका सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि हर कदम पर दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। अब बरेली से आई हुई एक अम्मा के दर्द को सुनिए। पति को ब्रेन ट्यूमर है, इलाज के लिए जल्दी से एम्स आई कि सब बेहतर होगा, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने साल भर बाद का वक्त दिया है। तो सुभाष चंद्रा 2022 का पर्चा कहाँ है कि 2022 में आना? वो मतलब उसमें है कि दवाई ले रहे हैं। हेलो, कार्ड में लिखा है, कार्ड कहाँ है? कार्ड दवाई लेने है। अच्छा, दवाई लेने का है। कई एकड़ में फैले दिल्ली एम्स की कहानी यही नहीं थमती है। गंभीर बीमारियों की बात तो छोड़ दीजिए, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के लिए लोगों को महीनों इंतजार के लिए कहा जा रहा है। ये सब दिल्ली के उस अस्पताल की कहानी है जिसे देश के अभिमान से जोड़कर देखा जाता है। अल्ट्रासाउंड के लिए 10 महीने तक की वेटिंग, एक्सरे जांच के लिए 3 से 6 महीने की वेटिंग, कई ओपीडी में 1 महीने तक की वेटिंग। ये तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के लिए वेटिंग का दर्द है। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन मरीजों को गंभीर बीमारियों का इलाज कराना होगा उन्हें कितनी परेशानी होती होगी। कुल मिलाकर एम्स में वेटिंग की बीमारी अब बहुत गंभीर हो गई है। एम्स में कोविड के समय से ही लोगों को लंबी परेशानी का सामना करना पड़ा, और ये परेशानी है कि लोगों को जिस तरह से टेस्ट के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए, आगे इलाज का कंटिन्यू करने के लिए जो लंबा इंतजार करना पड़ता है, लंबी लाइनें लगानी पड़ती है, उसकी समस्या लोग सबसे ज़्यादा झेल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जब एम्स का दौरा किया तो उन्होंने जाना कि किस तरह से ओपीडी के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। मरीजों को जो टेस्ट की डेट दी जाती है, इलाज की जो डेट दी जाती है, सर्जरी की जो डेट दी जाती है, वो साल भर बाद की, 6 महीने बाद की, 8 महीने बाद की दी जाती है। हालात को कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक अच्छी पहल की है। 10 डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई है। कोशिश यही है कि एम्स की वेटिंग वाली दिक्कतें दूर हो जाए। 10 मेंबरी कमेटी ने एक और बात बोली है कि जो भी 500 रुपए से नीचे कोई भी टेस्ट हो रहा है, चाहे एक्सरे हो रहा है, चाहे ओपीडी जांच हो रही है, या कोई भी फ्लोरोस्कोपी हो रही है, या कुछ भी जो जांच 500 रुपए के नीचे है, वो ब्लड सैंपल भी अगर हो। टाइम्स नाउ नव भारत की कोशिश है कि एम्स की इस बड़ी दिक्कत का जल्दी से समाधान हो, क्योंकि स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। एम्स दिल्ली क्या वाकई में सिर्फ वीआईपी के लिए रह गया? ये भी एक सवाल उठता है कि इन लोगों की अपॉइंटमेंट से वो इनको कब मिलेंगी? सर्जरी की डेट 2 साल की है, लेकिन यहाँ पर तो ये 15-15 दिन तक सिर्फ ओबीटी तक जाने के लिए परेशान रहते हैं, क्योंकि इनको वो पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो जो लोग शायद नहीं पढ़े लिखे हैं या फिर दूर से आ रहे हैं, उनके लिए कोई हेल्प टेबल तो बनाई गई है, लेकिन उनके लिए आगे वो मदद के लिए कैसे होगा? ये वो चीजें हैं जो ग्राउंड पे हमने देखी, वो परेशानियां हैं शायद जिनको सुधारना पड़ेगा। और बिल्कुल देखिए, लैब से लेकर के तमाम चीजें जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है, सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि एम्स आम जनता के लिए जाना
माना जाता है, ये सरकारी अस्पताल है जहाँ पे कहा जाता है बेहतर इलाज मिलेगा, सस्ता इलाज मिलेगा, इसीलिए लोग दूर से इलाज कराने के लिए आते हैं। लेकिन सिस्टम में कितनी खामियां हैं और लोग कितने परेशान हैं, इसका जायजा आज टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने लिया। वीडियो जर्नलिस्ट रत्नेश पांडे के साथ हर्ष उदनवानी, वरुण भसीन के साथ टाइम्स नाउ नव भारत। और अब देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने डॉक्टर्स की जो कमेटी बनाई, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा। इस रिपोर्ट में कई दिक्कतों को दूर करने की बात की गई, जिसमें इलाज के लिए वेटिंग को सबसे बड़ी समस्या माना गया है। एम्स की व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है, जांच की वेटिंग दूर करने की सिफारिश भी इसमें की गई है। इसके अलावा ओपीडी में वेटिंग को दूर करने के लिए सिफारिश की गई है, 500 रुपए तक की जांच निःशुल्क करने पर जोर दिया गया है। एक्सरे अल्ट्रासाउंड के लिए वेटिंग को खत्म करने की बात की गई है। ट्रॉमा सेंटर के लिए भी कामकाज में सुधार की सिफारिश की गई है। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि एम्स में किस बीमारी के लिए मरीजों को कितना इंतजार करना पड़ता है। और जब आप ये तस्वीर देखेंगे तो आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे कि अगर इंतजार का समय इतना लंबा है तो फिर इलाज कब शुरू होगा। ये तस्वीर आपके सामने है इस वक्त। अगर किसी को ओपन हार्ट सर्जरी करानी है, यानी जिसको जो व्यक्ति दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, उसे 4 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है अगर ओपन हार्ट सर्जरी करानी है। जिस समय मैं ये डेटा आपके सामने पढ़ रही हूं, मैं इमेजिन कर सकती हूं उन सारे लोगों को, उनके परिवारों को जो दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि उनका मरीज कितने समय तक स्वस्थ रह पाएगा, उसके लिए 4 साल कितना लंबा समय हो सकता है आप अंदाजा लगाइए। ईएनटी का अगर इलाज कराना है तो 4 साल तक की वेटिंग इसमें भी है। अब ऐसे में जो परिवार परेशानी से गुजर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में हैं, जो देश के सबसे बड़े अस्पताल की दहलीज पर फंसे रह जाते हैं, 4 साल की वेटिंग उनके लिए है। ऑर्थोपेडिक का इलाज अगर आपको कराना है तो 10 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। जो लोग प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जा सकते, उनकी तकलीफ का अंदाजा आप इस समय सीमा के हिसाब से लगाइए। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का अगर आपको इलाज कराना है, उसके लिए सर्जरी की डेट आप ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, तो ये इंतजार तो आपके लिए अंतहीन भी हो सकता है, क्योंकि जो हम आपको दिखा रहे थे कि कई सालों तक आपको इंतजार प्रतीक्षा में रहना पड़ सकता है। एक्सरे भी अगर आपको कराना है तो 3 से 6 महीने की वेटिंग है। और इसी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। और अल्ट्रासाउंड के लिए देखिए 10 महीने तक की वेटिंग जो है यहां पर भी है। यानी एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के लिए भी अगर महीनों इंतजार करना है तो गंभीर बीमारियों में क्या परिस्थिति होगी वो आपने देखा, जिसमें हमने आपको कैंसर से लेकर ओपन हार्ट सर्जरी और ईएनटी तक के लिए तस्वीर बता दी। अब ये भी जान लीजिए कि दिल्ली के एम्स पर भार कितना है और यहाँ हर दिन कितने मरीज इलाज के लिए आते हैं और कितने डॉक्टर्स उनके इलाज के लिए मौजूद रहते हैं। ये सबसे जरूरी है, क्योंकि जब एक अस्पताल पर ज्यादा भार होगा तो निश्चित तौर पर वहां मरीजों को दिक्कतें होंगी और व्यवस्था बनाए रखना चुनौती। हर दिन 10 से 15 हजार लोग यहां पर इलाज के लिए आते हैं और हर दिन लगभग 2 हजार मरीज एडमिट होते हैं। कैंसर मरीजों के लिए 40 बेड की व्यवस्था, हर दिन लगभग 90 कैंसर मरीजों का इलाज यहां पर होता है। डॉक्टर्स की जो जरूरत है उस पर भी नजर डाल लीजिए, मौजूद हैं 670 डॉक्टर्स, जबकि जरूरत है 1142 डॉक्टर्स की, यानी लगभग दोगुने डॉक्टर्स चाहिए लेकिन 670 डॉक्टर्स की मौजूदगी है, तो एक डॉक्टर पर कितना भार है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो एम्स की यह तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन अब बात सफदरजंग अस्पताल की, क्योंकि ये अस्पताल दिल्ली एम्स के पास ही है और यहां भी हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। सफदरजंग में भी मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। तस्वीर आपके सामने है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की। फर्श पर बैठे लोग और मरीज, उनके तीमारदार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहां भी संख्या बेहिसाब है और व्यवस्था ऐसी कि मरीजों को कई कई दिन घंटों इंतजार करना पड़ता है लेकिन नंबर नहीं आता है। अस्पताल की अगर तस्वीर देखें तो हम वो कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर भी मरीजों को इंतज़ार बेहद करना पड़ रहा है। बीमारी शायद इंतज़ार नहीं करती, पर लोगों का जो इंतज़ार है वो लगातार बना रहता है। बच्चों के साथ, परिवारों के साथ एक छोटी छोटी जो बीमारियाँ हैं उसको समझने करने में ये परिवार यहीं पर इंतज़ार करते रहते हैं। आप समझिए जो हालात हैं वो इस वक्त बहुत भयनीय है। ये जो भीड़ आपको नज़र आ रही है सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, जो लाइन में लगे हुए लोग हैं, जो भीड़ है आप उस तरफ देख सकते हैं उस कैमरा पर कि किस वो कितने लोग हैं जो आज इस इंतज़ार में लगे हुए हैं। आपको आगे चलकर अगर मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो पर्चे लेकर हाथ में परेशान परिवार सिर्फ यही सोच रहे हैं कि कब उन्हें वो समय मिल पाएगा, कब वो इलाज मिल पाएगा।
तो उम्मीद यही कि अब जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर डॉक्टर्स की कमेटी बनाई, रिपोर्ट मंगाई, अब जो सिफारिशें उस पर हैं उस पर कम से कम जल्द से जल्द काम हो और ये हालात बेहतर हों। रुक करेंगे अब लोकतंत्र में अगली खबर का, खबर बिहार से, जहां नीतीश सरकार में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। नीतीश सरकार की एक बड़ी योजना जिसका नाम हर घर नल का जल, इस स्कीम के माध्यम से जितना फायदा आम लोगों को हुआ होगा उससे ज्यादा फायदा बीजेपी और जेडीयू नेताओं को हुआ, ये आरोप है। आरोप सीधे सीधे बिहार के डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद पर लगा है। आज विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इसे लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री नीतीश की चुप्पी पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव के मुताबिक 50 करोड़ से ज्यादा के इस मामले में, जिसमें सीधे सीधे डिप्टी सीएम के इन्वॉल्व होने की बात सामने आ रही है, सीएम नीतीश का चुप हो जाना समझ से परे है और लगातार तेजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। बिहार के कटिहार में इस स्कीम के जरिए राज्य के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के रिश्तेदारों को करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिला। कुछ कॉन्ट्रैक्ट उनकी बहू की कंपनी को मिला, कुछ उनके साले की कंपनी को मिला। इस मामले में तारकेश्वर प्रसाद ने अभी तक अपनी तरफ से सफाई नहीं दी है, जबकि सीएम नीतीश कुमार, जिन्होंने आरजेडी के साथ करप्शन के मामले पर ही छोड़ दिया था, वो इस संगीन मामले पर क्या एक्शन लेते हैं ये देखना होगा। मौजूदा सरकार में एक ही काम हो रहा है, सरकारी खजाने को लूटो, जनता के अधिकार को लूटो, गरीब के अधिकार को लूटो, आपदा पीड़ितों के अधिकार को लूटो, केवल केवल ऊपर से नीचे केवल केवल भ्रष्टाचार ही आपको नजर आएगा। और ये मामला तो हमारे कटिहार जिले में जो प्रत्याशी रहे हैं, हमारा संगठन है, उनके पास तो तारकिशोर जी के सारे चीजें पड़ी हुई हैं। ये मामला जो उनके बेटे और बहू को 53 करोड़ रुपए काम देने की है, ये तो जांच का विषय है। इसमें पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। और आप बताइए, हमने देखा बीजेपी के लोगों को कि बिजनेस करना जो है कोई अपराध नहीं, मतलब बीजेपी के लोग करें कुछ भी तो दूध का धुला हुआ लोग है। आश्चर्य है कि इस डिप्टी सीएम पद जो जो मिनिस्ट्री है उनके मंत्रालय की भी जांच होनी चाहिए। भाई जिस प्रकार का मामला आ रहा है 53 करोड़ रुपए, ये तो एक्सप्लेन करना चाहिए नीतीश कुमार जी को। और इस मामले को लेकर आपको और जानकारी इस वक्त दे दें, हर घर नल का जल स्कीम में कॉन्ट्रैक्ट का ये मामला, डिप्टी सीएम के रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जिस पर अब बवाल है। कटिहार के 9 पंचायत में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसका जिक्र अभी आप तेजस्वी यादव के स्टेटमेंट में भी सुन रहे थे। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की बहू की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साले की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, डिप्टी सीएम के परिवार को कुल 53 करोड़ का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला है। कुछ कंपनीज को इस फील्ड में काम का अनुभव नहीं है और इसी को लेकर अब जबरदस्त विवाद इस वक्त बिहार में दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर जी जुड़ गए हैं। नवल जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। देखिए, बड़ा आरोप जो है वो इस वक्त लग रहा है, तेजस्वी यादव ने तारकिशोर प्रसाद पर तो आरोप लगा ही लगाए, लेकिन वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री को भी इसमें जिम्मेदार बता रहे हैं। देखिए, राज्य में कुछ भी हो और खासकर भ्रष्टाचार हो और उसमें मुख्यमंत्री संलिप्त है, उनको मालूम नहीं, ऐसी बात हो नहीं सकती है। मुख्यमंत्री को 2015 में भी नरेंद्र मोदी जब गिना रहे थे कि 55 घोटाले हुए हैं, आज तो बढ़ के 155 हो गए होंगे, और मुख्यमंत्री को पता नहीं है या उप मुख्यमंत्री को पता नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? उप मुख्यमंत्री के घर में जब 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 घोटाले का रास्ता जा रहा है, घोटाले का पानी जब जा रहा है, तो उनको पता कैसे नहीं चलेगा? इस उस राज्य बिहार में घोटाला इस प्रकार से हो रहा है कि पार्टी पार्टी के नेता सरकार पूरी तरह से मिली हुई है। यही कारण है कि आप देखेंगे कि हर सूचकांक में, हर क्षेत्र में बिहार पिछड़ रहा है। उस बेरोजगारी से लेकर, पलायन से लेकर जितने भी समस्या हैं, उसका मुख्य कारण तो यही है कि वहां पे जो भी सरकारी प्रोजेक्ट चल रहा है, आप देखे होंगे कि जो पुल बनी है वहाँ पे, जो ब्रिज बने हैं, जो जो नदी पे पुल बने हैं, वो या तो उद्घाटन के दिन गिर जाते हैं या उद्घाटन के एक महीने बाद गिर जाते हैं। ये तमाम तरह के भ्रष्टाचार का आपको उदाहरण बिहार में मिल जाएगा। और इसमें इसमें मुख्यमंत्री की जानकारी नहीं हो तो उनको रिजाइन करना चाहिए। आप मुख्यमंत्री को यहाँ पर जिम्मेदार मान रहे हैं इस मुद्दे के साथ ही, लेकिन हम अपने दर्शकों को ये भी सुनवा देते हैं कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस पूरे मामले पर क्या कहा।
1,87,00,000 का मिला है टेंडर उनके बेटे को, यह मिला है 2019 फरवरी में और यह चुनाव से पहले ही वह काम भी उसने पूरा कर दिया था। तो यह सही है कि एक विधायक के बेटे ने 1,87,00,000 का कार्य कराया है और चुनाव से पहले सारा कार्य उसका समाप्त हो गया था, इसलिए इसमें दूसरा कोई करने की जरूरत नहीं। और इसी कटिहार से तारकिशोर प्रसाद चुनकर आते रहे हैं, ये उनकी कर्मभूमि है, लिहाजा जिस तरह से ये मामला गरमाया है उनके लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। आगे बढ़े लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकतंत्र आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। महंत नरेंद्र गिरी को आज उनके प्रयागराज के बाघंबरी मठ में भू समाधि दे दी गई। नरेंद्र गिरी ने जिस जगह पर समाधि लेने की इच्छा जाहिर की थी वहीं पर उन्हें समाधि दी गई। उनके निर्देश के अनुसार महंत का अंतिम संस्कार बाघंबरी मठ के मठ में नींबू के पेड़ के नीचे समाधि देकर किया गया। नरेंद्र गिरी को भू समाधि देने से पहले फूलों से सजे रथ पर उन्हें गंगा यमुना सरस्वती के संगम तट पर ले जाया गया, जहां पार्थिव शरीर को स्नान कराया गया, जिसके बाद बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए ले जाया गया। नरेंद्र गिरी लेटे हनुमान मंदिर के भी महंत थे, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अल्लाहपुर स्थित बाघंबरी मठ ले जाया गया। यहां पहले से खोदे गए समाधि स्थल पर विधि विधान से पूजा की गई। जिस नींबू के पेड़ को महंत नरेंद्र गिरी ने लगाया था ठीक उसी के नीचे उन्हें आज भू समाधि दी गई। इस दौरान वहां पर माहौल बेहद भावपूर्ण, नम आंखों के साथ उन्हें विदाई दी गई। गुरु को समाधि देते वक्त शिष्यों की आंखों में आंसुओं की धारा फूट गई। नरेंद्र गिरी को समाधि देने के लिए नींबू के पेड़ के पास एक चौकोर गहरा गड्ढा खोदा गया था। गड्ढे की दीवार को खोदकर एक छोटा सा कमरा बनाया गया था, यहीं पर नरेंद्र गिरी ब्रह्मलीन हुए। इस पूरी प्रक्रिया को गुप्त रखा गया। समाधि के वक्त चारों तरफ चादर से पर्दा किया गया। इसके साथ ही मंत्रोच्चार का सिलसिला शुरू हो गया। समाधि स्थल पर नमक के बोरे बिछाए गए थे। समाधि से पहले नरेंद्र गिरी के कपड़े बदले गए, जिसके लिए स्थल को चारों तरफ से कपड़े से ढका गया। फिर शास्त्र विधि के अनुसार उनके पार्थिव शरीर का श्रृंगार किया गया और उसके बाद समाधि की प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान वहां पर तमाम संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। ब्रह्मलीन नरेंद्र गिरी संदिग्ध मौत मामले में प्रयागराज कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। आनंद गिरी और आद्या तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में आनंद गिरी और आद्या तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए थे। चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में शिष्यों को भेज दिया गया है। आद्या तिवारी जो कि लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी थे, और दूसरी तरफ आप तस्वीरों में इस वक्त आनंद गिरी को देख रहे हैं। दरअसल जो कथित तौर पर सुसाइड लेटर कहा जा रहा है उसमें मुख्य तौर पर इन तीन लोगों के नाम लिखे गए हैं, जिसमें आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संतोष तिवारी जो कि आद्या तिवारी के बेटे हैं उनका नाम शामिल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में भाग लेने के साथ साथ अन्य देशों के नेताओं के साथ भी मुलाकात करेंगे। नरेंद्र मोदी क्वाड की पहली इन पर्सन समिट में शामिल होंगे।
इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहली द्विपक्षीय मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का 23 सितंबर को जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मुलाकात का भी कार्यक्रम है और इसके अलावा पीएम मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मुलाकात का भी कार्यक्रम है। और ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री रवाना हो रहे थे उस दौरान की आप देख रहे हैं। देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन पहुंचेंगे और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बेहद अहम ये 5 दिन का उनका दौरा रहने वाला है क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते बदलते वक्त और अब जो नई सरकार वहां पर आई है, बाइडेन प्रशासन अब किन ऊंचाइयों पर जाते हैं और ये संबंध जो वर्तमान में चुनौतियां हैं, ग्लोबल चुनौतियां हैं, उसमें आगे कैसे बढ़ते हैं, इस लिहाज से प्रधानमंत्री का यह दौरा बहुत अहम है। हालांकि जब प्रधानमंत्री अमेरिका के लिए रवाना हो रहे थे उससे पहले उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि 22 से 25 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहूंगा। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के न्योते पर यूएसए जा रहा हूं, दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों पर बात होगी। तो ये ट्वीट भी आपका प्रधानमंत्री का आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। रवाना होने से पहले उन्होंने ये ट्वीट किया और दोनों देशों के संबंधों को नई शक्ति मिले, नए स्तर पर ये संबंध पहुंचे, इस पर पूरा भरोसा उन्होंने जताया। लेकिन क्वाड समिट जो है ये अपने आप में बहुत अहम क्योंकि इन पर्सन ये पहली मुलाकात होने वाली है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान शामिल होंगे और इसलिए इस पर निगाहें भी टिकी हुई हैं कि आखिर किस तरह से इन 4 देशों की मौजूदगी इसमें रहती है। और अमेरिका में जब ये मीटिंग्स हो रही हैं तो आपको बता दें कि यूएन के मंच से भी प्रधानमंत्री को बोलना है और ऐसे में अफगानिस्तान में जिस तरह से हालात बदले हैं और आतंकवाद को लेकर जो लगातार भारत की चिंताएं रही हैं, इससे पहले भी प्रधानमंत्री इस चिंता को जाहिर कर चुके हैं, लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय मंच से इस बात का आना अपने आप में बहुत अहम होगा। आपको दिखाते हैं कि अमेरिका में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या रहने वाला है, इसकी डिटेल में ये जानकारी। आज देर रात वाशिंगटन प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और इसके बाद आपको बता दें कि 23 सितंबर को उनकी सीईओस के साथ मीटिंग है और 23 सितंबर को ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग होगी। ये कमला हैरिस के साथ उनकी पहली मीटिंग है। 23 सितंबर को ही जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मीटिंग होगी और उसके बाद 24 सितंबर को इन पर्सन पहला क्वाड शिखर सम्मेलन होने वाला है और ऐसे में इन जो 4 देश क्वाड समिट में शामिल है उनकी क्या भूमिका ग्लोबल पॉलिटिक्स में रहेगी, ग्लोबल परिस्थितियों पर रहेगी, ये देखना होगा। 24 सितंबर को राष्ट्रपति बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक प्रधानमंत्री की होनी है। 24 सितंबर को फिर प्रधानमंत्री वाशिंगटन से न्यूयॉर्क रवाना होंगे क्योंकि अगला कार्यक्रम उनका न्यूयॉर्क में है। 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री का भाषण होगा जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि जो पड़ोस में यानी अफगानिस्तान में जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं, तालिबान की वापसी हुई है, ऐसे में आतंकवाद को लेकर एक मजबूत स्टैंड भारत का यहां पर रहेगा और यूएन के मंच से ये बात अपने आप में बहुत अहम होगी। तो मुख्य तौर पर क्वाड समिट, इसके अलावा राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ क्योंकि ये पहली बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो ऐसे में अमेरिका और भारत के रिश्ते अब ट्रंप प्रशासन के बाद, बाइडेन प्रशासन के आने के बाद किस तरह से आगे बढ़ते हैं, एक रूपरेखा इस दौरान दिखाई देगी। लेकिन इससे अलग जो वक्त कोविड को लेकर पूरी दुनिया ने झेला है, ऐसे में अब आगे उसे लेकर क्या पॉलिसीज रहनी चाहिए, क्या आगे इंतजाम होने चाहिए, उसे लेकर भी भारत की एक अहम भूमिका रहेगी जिस पर इस दौरे में भी प्रधानमंत्री की नजरें बनी रहेंगी। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी से उनकी ये पहली मुलाकात है। दोनों नेताओं के बीच 24 सितंबर को द्विपक्षीय वार्ता तय है। इस वार्ता में कई मुद्दों पर चर्चा संभव है, तो आइए आपको यह भी बता दें कि इस बातचीत का एजेंडा क्या रह सकता है और दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर बात हो सकती है। अफगानिस्तान का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान में परिस्थितियां बदली हैं वो सिर्फ भारत और एशिया के लिए चिंता का विषय नहीं है बल्कि पूरे विश्व के लिए है और ऐसे में जब भारत और अमेरिका के राष्ट्र अध्यक्ष एक साथ होंगे तो ऐसे में अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा हो सकती है, आतंकवाद, ग्लोबल पार्टनरशिप पर बात होगी, इसके अलावा तकनीक और रक्षा के क्षेत्र में किस तरह से दोनों देश साथ मिलकर चल सकते हैं इस पर भी चर्चा संभव है, क्लाइमेट चेंज को लेकर भी बात हो सकती है। और आपको यह भी बता दें कि हमारी खास टीम इस वक्त अमेरिका में मौजूद है जो प्रधानमंत्री के इस दौरे को लगातार कवर करती रहेगी और आपको हर सूचना सबसे पहले देती रहेगी।
फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना। रात 8 बजे टाइम्स नाउ नवभारत पर ऐसा शो जिसमें पब्लिक अपना सवाल सीधे पूछती है, और इसीलिए अगर आपके पास भी सवाल है तो बेहद आसान तरीका है, आप हमें 8097471285 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप 15 सेकंड का एक अपना वीडियो मोबाइल कैमरे पर रिकॉर्ड करके अपना सवाल भेज सकते हैं जिसे हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। दूसरा तरीका, आप हैशटैग सवाल पब्लिक का पर अपना सवाल ट्वीट कर सकते हैं, लिखकर हमें भेज सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि टाइम्स नाउ के फेसबुक पेज पर जाकर भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं जिसे हम आगे चलकर कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और चौथा तरीका, यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स पर भी आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आज डिबेट का जो विषय रहेगा उस पर सवाल पब्लिक का, जनरल बाजवा को भाई बताकर क्या कांग्रेस शहीदों का अपमान कर रही है, तो इस पर आप जरूर अपने सवाल भेजें जिसे हम कार्यक्रम में आगे शामिल करेंगे। इसके अलावा, क्या पंजाब में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस शहीदों को भूल गई है? सिद्धू और बाजवा के गले मिलने को कांग्रेस आखिर क्यों सही ठहरा रही है? तो इसी पर देखिए डिबेट टाइम्स नाउ नवभारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के साथ सवाल पब्लिक का रात 8 बजे।